भारत में जो भी कानून बनता है वो संसद के द्वारा बनाया जाता है। अगर संविधान में संशोधन करना हो या किसी नियम में बदलाव करना हो तो भी संसद के द्वारा किया जाता है। इस संसद को चलाते हैं हमारे देश के पॉलिटिशियंस। हमारे लिए अच्छे कानून बने, अच्छे नियम बने, इसके लिए हमारे सांसदों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए जानते हैं भारत के टॉप 20 पॉलिटिशियंस कितने पढ़े लिखे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओंकार और आप देख रहे हैं टॉप 10 हिंदी। कृपया ध्यान दें, इन राजनेताओं के पढ़ाई से रिलेटेड आंकड़ा इंटरनेट से लिया गया है, इसमें अगर कोई गलती पाई जाती है तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की है। इसके अलावा उन्होंने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल से MBA भी किया है। चंद्रबाबू नायडू ने SV आर्ट्स कॉलेज से BA की पढ़ाई की है, जिसमें उनके सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री थे। इसके अलावा उन्होंने इकोनॉमिक्स में MA भी किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से BA की पढ़ाई की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से डिग्री हासिल की है। इस कॉलेज को अब NIT पटना के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTEC किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कलकत्ता के जोग माया देवी कॉलेज से हिस्ट्री में BA किया। इसके बाद उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री में MA किया। इसके अलावा उनके पास एडुकेशन में एक डिग्री है जो उन्होंने शिक्षायतन कॉलेज से लिया था। उनके पास लॉ डिग्री भी है जो उन्होंने जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से लिया था। इसके अलावा ममता बनर्जी को 2 डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली हुई है। ये दोनों उपाधियाँ ऑनररी हैं, एक कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की तरफ से और एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से। इस बात पर शायद आपको यकीन ना हो, पर राजद सुप्रीमो लालू यादव के पास लॉ में बैचलर्स डिग्री और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री है। ये दोनों डिग्री उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से ली थी। NCP के चीफ शरद पवार ने यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के अंदर आने वाले बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी BMCC से BCom की डिग्री ली थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डबल MA किया था। पहला MA उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में किया था और दूसरा हिस्ट्री में। इसके अलावा उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से LLB भी किया था। LJP प्रमुख रामविलास पासवान ने लॉ में बैचलर किया हुआ है और इसके अलावा उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से MA भी कंप्लीट किया है। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पास गोरखपुर यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में मास्टर डिग्री है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक्स में अपनी बैचलर्स और मास्टर डिग्री कंप्लीट की थी। इसके अलावा उनके पास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ट्राइपोस भी था। BJP अध्यक्ष और वर्तमान में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बायोकेमिस्ट्री में CU शाह साइंस कॉलेज अहमदाबाद से BSc की डिग्री हासिल की थी। भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने BA किया हुआ है, जिनमें उनके मेजर सब्जेक्ट संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस थे। इसके अलावा उन्होंने लॉ की डिग्री भी ली है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ में ग्रेजुएशन किया था। कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी ने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद उन्होंने बुद्धिस्ट स्टडीज़ में मास्टर डिग्री किया था। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी ने सिर्फ प्राइमरी एडुकेशन लिया है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद वो इंग्लिश सीखने के लिए बेल एडुकेशन ट्रस्ट लैंग्वेज स्कूल जो कैम्ब्रिज शहर में था वहाँ गई, जहाँ उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फ्लोरिडा USA के रोलिंस कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज जो कैम्ब्रिज में है वहाँ से MPhil भी किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल साइंस में ओपन स्कूल ऑफ लर्निंग जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आता है उससे BA किया। इसके बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की। तो आपको इन भारतीय राजनेताओं में से कितनों के डिग्रियों के बारे में पता था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी थोड़ी जानकारी बढ़े। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप अपने सुझाव और सवाल हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।